ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। एक बेसिक बड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो हम लोगों ने डिस्कशन में लेके आए थे कि एक पॉइंट है क्यू जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस डायमीटर पर, डायमीटर ऑफ द सर्किल है। तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये पी मिल जाएगा, पी इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। What is P? P is the foot of the perpendicular drawn from the Q, which is in uniform circular motion. ठीक है, अब ये हमने अभी एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि जैसे जैसे Q आगे जाएगा, जैसे ये Q बढ़ रहा है आगे, तो ये Q आगे जाएगा तो P भी आगे जाएगा। इसका P, यहाँ वाले का P, यहाँ वाले का P और यहाँ पहुँचा यहाँ पर। इसके बाद फिर Q आगे बढ़ेगा इधर, तो यहाँ आएगा तो P यहाँ, यहाँ आएगा तो यहाँ P, 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 यहाँ आएगा तो यहाँ P। तो पहले P ऐसे गया है, फिर P ऐसे आ रहा है, फिर ये Q इधर चला तो P इधर पड़ा, P इधर पड़ा, P इधर पड़ा, P इधर, P इधर आ गया। फिर ये Q इधर चला तो वापस P इधर, P इधर, P इधर, P इधर। तो एक बार P ऐसे जाता है, एक बार P ऐसे आता है, फिर ये ऐसे जाता है। तो हम ये देख चुके थे कि ऑक्सीलरेटरी मोशन तो ये है ही। कौन कर रहा है ऑक्सीलरेटरी मोशन? पी। क्यों नहीं कर रहा है? क्यों क्या कर रहा है? पीरियोडिक मोशन। की इज डूइंग पीरियोडिक मोशन, बट पी इज डूइंग ऑक्सीलरेटरी मोशन। अब ये जो ऑक्सीलरेटरी मोशन है पी का, ये एसएचएम करता है इस समय। ये बात अभी हम मान लेते हैं, लेकिन दोनों जो प्रॉपर्टी है इसकी एसएचएम होने की, वो अभी प्रूफ कर देंगे आगे कि देखो इसके अंदर है। कौन सी दो प्रॉपर्टी? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, एंड फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आगे अनाउंस हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी, साबित हो जाएगी, लेकिन अभी हम इसको मान लेते हैं कि एसएचएम, क्योंकि एसएचएम का एग्जांपल है और एसएचएम होता है इसके अंदर। आप पूरी सिचुएशन समझ गए, समझिए आंचल। अब क्या हुआ कि ये जो क्यू था, या इस पी की बात करें, ये पी जो ऑक्सीलेशन ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा था, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कितना था? तो ओ से लेके ये कोई पॉइंट मान लो एम, ओ एम इज द मैक्सिमम या ओ एन इज द मैक्सिमम, और ये दोनों जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। तो ये ए फॉर एम्पलीट्यूड दिखा दिया। व्हाट इज दिस? दिस इज ए, दिस इज ए। अब ये सर्किल है तो दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए, सारे रेडियस है। बात पकड़ में आई? कैपिटल ए क्या चीज है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है आप जानते हैं, 9th क्लास से सीख रहे हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन। तो ये कैपिटल ए है। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की, ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड से पहले एक चीज और बात करते हैं जो इसी साल सीखी है हम लोगों ने। इस वाले क्यू की जो वेलोसिटी है, वो क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है तो इसकी एंगुलर, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी क्या मानते हैं? ओमेगा। इसकी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा। ओमेगा का मतलब क्या होता है? ओमेगा का मतलब होता है एक सेकंड में बनाया गया एंगल। मोशन के दौरान एक सेकंड में बनाया गया एंगल, जैसे वेलोसिटी के लिए बोलते हो, एक सेकंड में चली गई दूरी, दिस इज वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? एक सेकंड में चली गई दूरी, दौड़ रहे हो। आपने कहा कि हमारी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब क्या आया? एक सेकंड में 2 मीटर चलोगे, यही तो मतलब होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी की, तो एंगुलर है ना, तो एंगल बनाता ही है, समझ में आ रही बात? एक सेकंड में जितना एंगल बनाएगा, कितना बनाएगा? ओमेगा, क्योंकि वही उसकी वेलोसिटी है, समझे। अगर एक सेकंड में बनाता है ओमेगा, मान लेते टी टाइम चलने पर यहां पहुंच गया क्यू, तो टी टाइम में कितना एंगल बनाएगा? ओमेगा टी। एक सेकंड में ओमेगा बनाता है, टी टाइम में ओमेगा टी बनाएगा, तो ये एंगल हमने कितना कर दिया? ओमेगा टी। ठीक है, इसी ओमेगा टी को अभी हम पहचानेंगे, दोबारा मैं बात करूंगा, इसे बोलेंगे हम लोग फेज, एक नया वर्ड फेज, आज से पहले नहीं पढ़ा शायद, ठीक। इस फेज को समझना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि हम घबराते हैं इस वर्ड से, समझ में अक्सर नहीं आता, बहुत बच्चों के नहीं आता, आपके साथ वाले फ्रेंड्स भी होंगे तो आप पूछेंगे, अक्सर कंफ्यूज मिलेंगे, कम लोगों को समझ में आता है, बहुत सरल। तो इसको इन डिटेल अभी 10 मिनट देंगे समझने के लिए, जैसे एकदम हमारे ज्ञान के चक्षु खुल जाएं फेज को लेके, है ना।
अभी एनीवे हम बात क्या पकड़ते हैं, ओमेगा टी इज द फेस, समझ लेते हैं एंगल है और क्या, एंगल ही तो ओमेगा टी, ये ओमेगा टी एंगल बढ़ गया। अब ये जो कहानी हमने लिखी है वही कहानी आपको समझाई है, आप पढ़ सकते हैं, नोट डाउन करने के लिए लिखी थी। इस कहानी में क्यों चल रहा है ऐसे, पी ऑक्सीलेशन कर रहा है, ये भी हम समझ चुके हैं। अब देखिए ए इसका एम्पलीट्यूड है, अब अगर ये एंगल हमारा ओमेगा टी है तो इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल को कोई नाम दे दो, क्यू डैश कर देते हैं, क्यू डैश ओ क्यू, क्यू नहीं कहना चाहिए, यहां पे रुकना पड़ेगा अपने को, इसको बोल दो क्या एन, एन बोल चुके हैं, एन डैश बोल देते हैं। इस ट्रायंगल में अगर आप आते हैं, इस ट्रायंगल में बेटा देखिए किस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, क्यू डैश ओ एन डैश, दिख रहा है ट्रायंगल, बन रहा है ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में क्या चीज दिखाई पड़ रही है, ये 90 ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते, तो हमने लिखा साइन थीटा, साइन थीटा क्या भाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज क्यू डैश एन डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ओ क्यू डैश, ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, बिल्कुल जानते हैं। अब देखिए क्यू डैश एन डैश क्या है, क्यू डैश एन डैश इतने टुकड़े के बराबर है पीओ के, और पीओ क्या है, मीन पोजिशन से डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट को इस डायरेक्शन में y एक्सिस की डायरेक्शन में हमने y बोला है, y क्या है, नॉर्मली हम लिखते हैं y, y का मतलब है एट टाइम t कितना डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन में, ऐसे फंक्शन ऑफ t देते ना, समय बदलेगा तो y बदलेगा, मोशन हो रहा ना, तो y हमने क्या किया, y इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन, आ रही बात समझ में, इधर वाले को बोला x क्योंकि ये x वाली डायरेक्शन पढ़ते रहते हैं हम लोग, इस वाले को डिस्प्लेसमेंट बोला x, इधर वाले को बोला y, टाइम बदलेगा y बदलेगा x बदलेगा दोनों बदलेगा, है ना। तो अब देखिए जब ये टाइम t पर चला तो op कितना है, डिस्प्लेसमेंट t तो है y, तो इस q डैश n डैश को हमने लिख दिया y, ये डिस्प्लेसमेंट है, और कहां गया o, ओ क्यू डैश, ओ क्यू डैश किसके बराबर है, एम्पलीट्यूड के रेडियस है ना सर्किल की, रेडियस का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, हर जगह सेम, इसे लिख दिया हमने अपॉन ए, तो यहां से वैल्यू क्या बन गई, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यही वैल्यू देखिए लिखी है, वाई क्या फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ SHM, SHM माना है इसको जो कि होता है ये, तो SHM की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बन गई है। पहचान करिए क्या चीज कौन सी है, y है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन, a है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन, साइन को आप पहचानते हैं, व्हाट इज ओमेगा t, ओमेगा t इज एन एंगल, अब बोल रहे हैं इसको फेस, है ना, ये जो y के टर्म में हमने बात लिखी इधर में, अगर आप यही सिस्टम इधर अपनाना चाहें, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो ये ऐसे मोशन करेगा, p डैश मान लो, वो भी तो SHM होगा, उससे कहां इनकार, जो इधर हो रहा है वही इधर होगा, होगा नहीं होगा, तो ये पार्टिकल भी मोशन करेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस पार्टिकल की इक्वेशन दिखाएं, क्योंकि कई ऑथर ने NCERT में ये पकड़ा है, और कई ऑथर इसको लेके चलते हैं दूसरी इस मोशन को, बोथ आर करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्या फर्क है वो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, ये समझ में आई बात। अब इसकी कहानी जो चली, इसकी इक्वेशन क्या बन जाती है, एक्स या XT, आप YT या XT लिख सकते हैं, और ये वैल्यू बन जाएगी a cos ओमेगा t, क्योंकि यहां जो आप एंगल ड्रॉप करेंगे, जो ट्रायंगल लेंगे, इधर ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे करके, है ना, तो ये cos की जगह sin की जगह cos आ जाएगा, बात समझ में आ रही है, करके दिखाएंगे आप, समझ गए आप, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में फर्क क्या है, तो फर्क होता है केवल फेज का, 90 डिग्री का एंगल का, क्यों, देखिए इस वाले में समझाने के लिए एक नया डायग्राम बनाते हैं हम लोग और इसको समझते हैं। यहां पर हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया था पॉइंट क्यू, अब ये ऐसे मोशन करता है, अभी हम देखते हैं ऐसे मोशन करता, तो यहां पर जब जीरो था टाइम, टाइम जीरो था, टाइम जीरो था, तो वाई वाले की सिचुएशन क्या थी, इधर वाले की, वो भी जीरो था भाई, परपेंडिकुलर गिरा तो कितना मिला, जीरो मिला, नहीं मिला। अब यहां कहीं पहुंचेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी पी की, और जब आप पहुंचेंगे कहां, क्यू को पहुंचा देंगे, अगर कैपिटल टी है तो टी बाई फोर पे अगर आप चले जाएंगे टाइम पीरियड पे, तो टी बाई फोर पे क्या मिलेगा आपको, वाई की वैल्यू मिल जाएगी ए, यहां पहुंच जाएगा,
यही तो होगा, वही समझ में आ रहा है। अगर हम बात करें x की, इस समय x क्या चल रहा होगा, तो x को क्या माना है, x को माना है इस पे गिरने वाला परपेंडिकुलर। तो यहां पर q है तो ये तो जीरो है, क्योंकि जब ये q यहां पहुंचेंगे ना तब तो आप कहेंगे ये डिस्टेंस हुई है ये, तो q इस समय है तो जीरो नहीं है, ये मैक्सिमम है, दिस इज ए। किसके लिए, इसके, जब ये दोबारा आगे बढ़ेगा तो देखिए क्या होगा, ये कम होता जाएगा ना, a से घटता जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, q घट रहा है ना, घट रहा है कि नहीं। तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फुल मैक्सिमम, और यहां क्या हो जाएगी, जीरो। तो आ रही बात समझ में, क्या बता रहे हैं, दोनों में तिकड़म क्या हुई कि जब हम लोग y वाली चीज पकड़ रहे हैं तो वो जीरो से स्टार्ट हो रही है, और जब हम लोग x एक्सिस वाली चीज पकड़ रहे हैं तो वो फुल से स्टार्ट हो रही है, a से। और इन दोनों के बीच में कितना फेस डिफरेंस आ गया, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री की कहानी है, एक फुल से स्टार्ट हो रही, कितनी, ये कब मिलेगा इसको, 90 डिग्री के बाद ये वैल्यू अचीव करेगा, ये वैल्यू जो इसकी थी फुल वाली, ये वाई वाली 90 के बाद अचीव करेगा। तो एक की शुरुआत है हमारी कहां से, जीरो से, और एक की शुरुआत हमारी कहां से, फुल से। फुल का मतलब एम्पलीट्यूड फुल डिस्प्लेसमेंट में, एंगल के फॉर्म में पाई बाई टू आगे, क्योंकि इसके चार हिस्से होते हैं ना, पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई बाई टू, तभी तो टू पाई बनता है। तो अगर आप बात करोगे कि ए पर है इस सिचुएशन में, ए से आगे चल रहा टी बाई फोर आगे, टाइम में बोलोगे टी बाई फोर आगे, एम्पलीट्यूड में बोलोगे डिस्प्लेसमेंट में ए आगे, और एंगल में बोलोगे पाई बाई टू आगे। आई बात समझ में, तो ये फेस का फर्क दोनों में क्या हुआ, 90 डिग्री का। दोनों ही चीजें क्या दिखा रही हैं, दोनों ही चीजें दिखा रही हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। दोनों का फर्क है, दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मोहित, जीरो। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए, क्योंकि यहां जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो वन होता है, एक्स की वैल्यू ए आ जाएगी। इतनी बात पकड़ में आई आपको, तो यहां पर अब ये जीरो होगा तो ए आ जाएगी, यहां जीरो होगा तो जीरो आ जाएगी, ठीक। तो इस बात को इतना समझते हैं,